यदि आप भी एक इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना चाहते हैं और आपका बजट भी कम है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं 10 सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक स्कूटर, जिसमें से आपको एक इलेक्ट्रिक स्कूटर ज़रूर पसंद आ जाएगी। यह वीडियो आप कंप्लीट देख लीजिएगा, जिससे आपको एक वीडियो से 10 इलेक्ट्रिक स्कूटर का नॉलेज मिलने वाला है। आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यह वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, पर इस वीडियो से आपको काफ़ी नॉलेज मिलने वाला है। बिना देरी के चलिए शुरू करते। सब्सक्राइब कर लीजिए आईटेक मस्ती को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे 10 ऐसी इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में, जो लिथियम आयन बैटरी में भी आती है और लीड एसिड बैटरी में भी आती है। शुरुआत करते हैं 10 नंबर के साथ। नाम आता है हीरो प्रोटोन। इसका डिजाइन दिखने में काफी आकर्षक लुक देता है। अब बात की जाए बैटरी के बारे में। इसके अंदर लिथियम आयन बैटरी दी गई है। इस बैटरी की वारंटी रखी गई है 3 ईयर की, या कहे 3 साल के अंदर बैटरी में कुछ प्रॉब्लम आएगी तो कंपनी इसे रिपेयर करके वही बैटरी आपको प्रोवाइड करवाएगी। चार्जिंग टाइम की बात की जाए, हीरो की प्रोटोन को चार्ज होने में सिर्फ 2 घंटे से लगा के 3 घंटे के अंदर यह फुल चार्ज हो जाती है। रेंज की बात की जाए, इसमें आपको रेंज देखने के लिए मिलेगी 80 किलोमीटर। आप इसे एक बार फुल चार्ज करके 80 किलोमीटर तक नॉन स्टॉप चला पाएंगे। प्राइस की बात की जाए, इसकी प्राइस रखी गई है 60,000, या कहे 60,000 रुपये हीरो प्रोटोन की प्राइस रखी गई है, जो कि मेरे हिसाब से एक बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर है। नंबर 9 पे नाम सामने आता है ओकिनावा फ्रेश प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटर। इसका डिजाइन काफ़ी आकर्षक, या कहे बनावट में काफ़ी मजबूत इसका डिजाइन बनाया गया है। बैटरी की बात की जाए, इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी लिथियम आयन बैटरी। इस बैटरी की वारंटी रहेगी 3 ईयर की। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को चार्ज होने में 4 घंटे से लगा के 6 घंटे का समय लगता है। और रेंज की बात की जाए, यह बात मुझे काफ़ी खास लगी है। इसकी रेंज रखी गई है 200 किलोमीटर, जी हाँ 200 किलोमीटर। एक बार आप इसे फुल चार्ज कर देंगे तो आप इसे 200 किलोमीटर जरूर चला पाएंगे। अब बात की जाए प्राइस के बारे में। इसकी प्राइस रखी गई है 80,000, या कहीं 80,000 रुपये इसकी प्राइस रखी गई है। नंबर 8 पे नाम सामने आता है हीरो NYX E5 के बारे में। इसका डिजाइन भी एक शानदार इलेक्ट्रिक स्कूटर के जैसा रखा गया है। इसके अंदर आपको बैटरी देखने के लिए मिलेगी लिथियम आयन। इस बैटरी की वारंटी रहेगी 3 ईयर की। चार्जिंग टाइम की बात की जाए, 4 घंटे के अंदर हीरो NYX फुल चार्ज हो जाएगी। और यह इलेक्ट्रिक स्कूटर एक बार फुल चार्ज होकर 60 किलोमीटर तक की दूरी तय करेगी। आखिर में जानते हैं इसकी क्या प्राइस रहेगी। इसकी प्राइस रखी गई है 55,000, या कहे 55,000 रुपये इसकी प्राइस रखी गई है। अब बात की जाए नंबर 7 पे ओकिनावा के रिज। इसका डिजाइन काफ़ी मजबूत बनाया गया है। बैटरी की बात की जाए, इसके अंदर लीड एसिड बैटरी आती है, जिसकी वारंटी रहती है 1 ईयर की। चार्जिंग टाइम की बात की जाए, आपको ऑलरेडी पता होगा लिथियम बैटरी बहुत जल्द चार्ज हो जाती है, वहीं लीड एसिड बैटरी को चार्ज होने में ज़्यादा समय लगता है। ओकिनावा की रिज को चार्ज होने में 6 घंटे से लगा के 7 घंटे का समय लगता है। एक बार फुल चार्ज होकर यह 70 किलोमीटर तक की दूरी तय करती है। अब बात की जाए इसकी प्राइस के बारे में, या कह सकते हैं कि इसकी प्राइस काफ़ी कम रखी गई है। इसकी प्राइस रखी गई है सिर्फ एंड सिर्फ 50,000, या कहे 50,000 रुपये इसकी प्राइस रखी गई है। नंबर 6 पे नाम सामने आता है बैटरी की इलेक्ट्रिक स्कूटर। यह इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको ऑनलाइन अमेजन पर भी मिल जाएगी। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर भी लिथियम आयन बैटरी दी गई है। इस बैटरी की वारंटी रखी गई है 3 ईयर की। यह इलेक्ट्रिक स्कूटर सिर्फ 2 घंटे से लगा के 3 घंटे के अंदर फुल चार्ज हो जाती है। अब बात की जाए रेंज के बारे में। एक बार फुल चार्ज होने पर यह इलेक्ट्रिक स्कूटर 90 किलोमीटर तक की दूरी तय करती है। प्राइस की बात की जाए, इसकी प्राइस रखी गई है 65,000, या कहीं 65,000 रुपये इसकी प्राइस रखी गई है। यह आपको ऑनलाइन अमेजन पर जरूर मिल जाएगी। नंबर 5 पे नाम सामने आता है ओकिनावा रेज 30। यह इलेक्ट्रिक स्कूटर ओकिनावा रेज का छोटा मॉडल है। इसमें आपको बैटरी देखने के लिए मिलेगी लीड एसिड। इस बैटरी की वारंटी रहेगी 1 ईयर की।
चार्जिंग टाइम की बात की जाए, यह इलेक्ट्रिक स्कूटर 5 से 6 घंटे के अंदर फुल चार्ज हो जाती है। और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की एक खास बात है, इसके साथ आपको कोई भी आरटीओ, इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं करवाना होगा। आप इसे एक साइकिल की तरह चला पाएंगे। इसकी टॉप स्पीड रखी गई है 25 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। रेंज की बात की जाए, एक बार फुल चार्ज करके आप इसे 50 किलोमीटर तक चला पाएंगे। अब बात की जाए इसकी प्राइस के बारे में, इसकी प्राइस रखी गई है सिर्फ एंड सिर्फ 40,000 या कहीं 40,000 रुपए के अंदर ये आपको मिल जाएगी। और यह इलेक्ट्रिक स्कूटर महिलाओं के लिए खासकर बनाई गई है। नंबर 4 पे नाम सामने आता है हीरो डैश, जो कि कुछ ही दिनों पहले लॉन्च की गई थी। इसका डिजाइन काफी आकर्षक बनाया गया है। बैटरी की बात की जाए, इसके अंदर भी लिथियम आयन बैटरी दी गई है। इस बैटरी की वारंटी रहेगी 3 ईयर की। चार्जिंग टाइम की बात की जाए, 2 घंटे से लगा के 3 घंटे के अंदर यह इलेक्ट्रिक स्कूटर फुल चार्ज हो जाती है। रेंज की बात की जाए, इसको एक बार फुल चार्ज करके आप 80 किलोमीटर तक नॉन स्टॉप चला पाएंगे। प्राइस की बात की जाए, इसकी प्राइस रखी गई है 62,000 या कहीं 62,000 रुपए इसकी कीमत रखी गई है। नंबर 3 पे नाम सामने आता है ओरेवा इलेक्ट्रिक स्कूटर। बैटरी की बात की जाए, इसके अंदर लीड एसिड बैटरी यूज की गई है। यह बैटरी की वारंटी रहेगी 1 ईयर की। चार्जिंग टाइम की बात की जाए, 5 घंटे से लगा के 6 घंटे के अंदर यह इलेक्ट्रिक स्कूटर फुल चार्ज हो जाती है। एक बार फुल चार्ज होने पर 40 से 50 किलोमीटर तक की दूरी तय करती है। और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ भी आपको कोई भी लाइसेंस बनवाने की जरूरत नहीं है। आप इसे एक साइकिल की तरह चला पाएंगे। नंबर 2 पे नाम सामने आता है Xiaomi Himo T1 के बारे में। यह इलेक्ट्रिक स्कूटर सबसे सस्ते इलेक्ट्रिक स्कूटर रखी गई है। बैटरी की बात की जाए, इसके अंदर लीड एसिड बैटरी यूज की गई है। चार्जिंग टाइम की बात की जाए, 5 घंटे से लगा के 6 घंटे के अंदर यह इलेक्ट्रिक स्कूटर फुल चार्ज हो जाती है। रेंज की बात की जाए, यह इलेक्ट्रिक स्कूटर एक बार फुल चार्ज होने पर 60 किलोमीटर तक की दूरी तय करती है। प्राइस की बात की जाए, इसकी प्राइस रखी गई है 30,000 रुपये। अब बात की जाए नंबर 1 पे, जो कि नाम सामने आता है ओकिनावा की रिच प्लस इलेक्ट्रिक स्कूटर। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को मैंने फर्स्ट पे क्यों रखा है, ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इसमें आपको बैटरी देखने के लिए मिलेगी लिथियम आयन बैटरी, जिसकी वारंटी 3 ईयर की रहेगी। चार्जिंग टाइम की बात की जाए, 2 घंटे से लगा के 3 घंटे के अंदर यह इलेक्ट्रिक स्कूटर फुल चार्ज हो जाएगी। यह बात भी खास है। अब बात की जाए रेंज के बारे में, तो यह एक बार फुल चार्ज होने पे 100 किलोमीटर से लगा के 110 किलोमीटर तक की दूरी तय करती है। और इसके अलावा बात की जाए प्राइस के बारे में, तो इसकी प्राइस बहुत कम रखी गई है, या कहें 60,000 रुपये से लगा के 65,000 रुपये के बीच में इसकी कीमत हो सकती है। कैसी लगी आपको टॉप 10 10 इलेक्ट्रिक स्कूटर? जो भी इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको पसंद आई हो, आप कमेंट सेशन में ज़रूर लिख दीजिएगा, जिससे हमारा हौसला बढ़ता है और हम आगे ही आपके लिए ऐसी इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटिव जानकारियाँ लाते रहेंगे। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और अपना महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट सेशन में ज़रूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। बाय बाय।